वर्ल्ड कप के दौरान कतर की सूरत हाल कैसी है? आज मौसम बहुत ही अच्छा है, मैंने तो गर्म कपड़े भी पहन लिए इसी वजह से, क्योंकि कल भी मौसम जो है वो काफ़ी ठंड हो गई थी रात में, और आज भी जो है वो मौसम काफ़ी ठीक है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। अभी जो है वो 3:30 का टाइम हुआ है, और आज की वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आज पहला मैच है फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है, तो उसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि कतर के अंदर जो फेस्टिविटी है, जो यहाँ पर मेले का सा समा है, वो कैसा है। ये मेरे सामने अभी आई थिंक घाना के सपोर्टर्स हैं, इनकी परेड एक जारी है लुसेल स्टेडियम के सामने, ये देखिए। गाना कहने कैमरून के सपोर्टर्स हैं, सॉरी अबाउट दैट। और ये आई थिंक इक्वाडोर के सपोर्टर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। गुड लक। थैंक यू। तो ये अभी कुछ नहीं है, और मैं अभी यहाँ पर जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि मैंने भी नाश्ता करना है, पहले नाश्ता करूँगा पहले कहीं पे जाके, उसके बाद जो है थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। अभी मेट्रो स्टेशन में चलते हैं, मेट्रो में सफ़र करते हैं, कोई नाश्ते की जगह ढूंढते हैं, उसके बाद गलियाँ छानते हैं। मैंने यहाँ पर जो इवेंट टीम है उनसे मैंने पूछा है कि यार नाश्ते के लिए या खाने वगैरह के लिए कहाँ जाए, नाश्ते का टाइम तो नहीं है, खैर लंच का टाइम भी गुजर चुका है, तो उसके लिए कहाँ पर जाया जाए, तो उनके मुताबिक मुझे सूक वाकिफ़ में जाना चाहिए। मुझे सूक वाकिफ़ के लिए एक सेपरेट वीडियो करनी है, उसके लिए मैं सेपरेट ट्रैवल करूँगा, मगर अभी मैं सिर्फ सूक वाकिफ़ जाऊँगा जस्ट फॉर द फूड, तो वो आपको वहाँ पर थोड़ा सा सूक वाकिफ़ शायद खैर सिर्फ खाना ही ढूँढेंगे, उसके बाद विल कम बैक और फिर जश्न देखेंगे कतर का। सूक वाकिफ़ आ गए और बहुत रश है यहाँ पर, आई थिंक क्योंकि मैच सिर्फ इक्वाडोर और कतर का है, तो बाकी मुल्कों के जो फ़ैन हैं वो आई थिंक घूम फिर ही रहे हैं। सो खैर सूक वाकिफ़ एक अहम टूरिस्ट स्पॉट भी है, और यहाँ से जो कतर की स्काई लाइन है वो भी बहुत अच्छी नज़र आती है। ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कतर की स्काई लाइन बहुत ज़बरदस्त आ रही है। Look at this. ये सामने सूक वाकिफ है, तो सूक वाकिफ बेसिकली ओल्ड बाज़ार है, कतर का सबसे पुराना बाज़ार, जो ट्रेडर्स हब हुआ करता था जब यहाँ पर तजारत, जो पोर्ट से जितनी भी ट्रेड हुआ करती थी वो यहीं से स्टार्ट हुआ करती थी, तो गला मंडी हुआ करती थी एसेंशली, और उसके बाद से अभी भी कतर ने अपने आप को मॉडर्नाइज़ किया है, मगर सूक वाकिफ ने जो अपना जो ट्रेडिशनल फ्लेवर है उसको रिटेन किया है। तो यहाँ पर आकर आपको ओल्ड कतर की एक वाइब आती है। खैर मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसके बारे में, इसके ऊपर एक और वीडियो में करूँगा। खाने को जगह ढूंढते हैं, उसके बाद फ़ौरन वापस जाएंगे, क्योंकि 5:30 के ऊपर जो ओपनिंग सेरेमनी है और मुझे वापस फीफा फैन फेस्टिवल पहुँचना है, जहाँ से जाकर मज़ीद कवरेज करेंगे, जहाँ से पूरे फेस्टिवल का आपको दिखाएँगे क्या सूरत हाल है। Nice.
सुख वाकिफ के अंदर एक शुजा रेस्टोरेंट के नाम से जगह है, यहाँ पर कबाब वगैरह कबाब आई थिंक स्क्वायर के ऊपर कबाब है, नाश्ते के अंदर वो ट्राई करने लगा। सो कुछ खाने को मिल जाए, जल्दी से खाना खाते हैं, वी डोंट हैव इनफ टाइम, वी ओनली हैव 1 आवर, उसके बाद फीफा फैन सर्चर पहुँचना है, वो या खैर यहाँ से दूर नहीं है, जैसे खाना आता है तो उसको फ़ौरन से जो है वो पाड़ते हैं और निकलते हैं। तो ये खाने में भाई 2 लस्सी मेरे साथ मंगवाई और ये खाना है, इसको खाने के बाद बात करते हैं। सो खाना मैं खा चुका हूँ, अभी 5 बज चुके हैं शाम के और आधा घंटा रह गया है ओपनिंग सेरेमनी के स्टार्ट होने में। सो अब मैं फीफा फैन फेस्टिवल की तरफ जाऊँगा। फैन फेस्टिवल के आसपास मैं पहुंच चुका हूँ, इस वक्त टाइम हुआ है 5:42 और इतना भी लेट नहीं हुआ है, आई थिंक अभी वॉक है फैन फेस्टिवल की तरफ तकरीबन 1/2 किलोमीटर की वॉक है। यहाँ पर इतना रश था कि जो पहली एंट्रेंस है वहाँ पर इतने लोग हैं कि आपको अंदर जाने के लिए उन्होंने वो एंट्री ही बंद कर दी है। अभी जो सेकंड गेट है उसके ऊपर जो है वो लोग जाएंगे और मैं आई थिंक मुझे मीडिया एंट्रेंस को यूज़ करना चाहिए, लेट्स सी अगर मैं मीडिया एंट्रेंस यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा सा तो मीडिया होने का फ़ायदा लेना चाहिए। तो देखते हैं मीडिया एंट्रेंस के अंदर क्या सूरत हाल है, लेट्स गो इनसाइड। ये मीडिया एंट्रेंस है, देखते हैं। मीडिया कार्ड पर मस्त एंट्रेंस हुई है 1 मिनट के अंदर, आई लव दिस। ये तमाम लोग बाहर वेट कर रहे हैं और मैं अंदर हूँ। आई कैन सी समथिंग हैपनिंग है, पुलिस की जो तादाद है वो बढ़ गई है और वो क्राउड को पुश कर रही है। People want to get in, लोग अंदर जाना चाह रहे हैं मगर पुलिस उन्हें रोक रही है। एब्सोल्यूट कार्नेज है यहाँ पर, जो लोग हैं जो अंदर होने की कोशिश कर रहे हैं वो दे आर लिटरली बुलडोजिंग थ्रू और जो यहाँ पर सिक्योरिटी है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे मीडिया एंट्रेंस मिली है एंड आई गॉट इन फ्रॉम देयर, अदरवाइज इट्स ब्लड बाथ देयर। देयर इट इज द फीफा फैन फेस्टिवल। ये जो ओपनिंग सेरेमनी है वो इस वक्त स्ट्रीम की जा रही है यहाँ के ऊपर और मुझे नहीं पता मैं इसमें से कितनी ऑडियो यूज़ कर पाऊँगा बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज, मगर एटलीस्ट विजुअल्स आपके पास हैं। आई थिंक ये BTS की परफॉर्मेंस है, जंगकुक, आई डोंट नो उसका क्या नाम है, बट लुक एट दिस। दोनों टीम्स के नेशनल एंथम्स जो हैं वो अभी बजाए जा रहे हैं, तो मैच पूरा मैच मैं देखूंगा यहाँ पर, साथ साथ उसके
टिट्स आपको जो है के साथ जो है मैं शेयर करता रहूँगा, क्राउड का रिएक्शन खास तौर के ऊपर, बट मैच पूरा देखूँगा मैं यहाँ पर। स्टार्ट में गोल कर लिए। अभी आई थिंक 3 मिनट पूरे हुए हैं और इक्वाडोर ने गोल कर लिए। वीएआर अभी गोल को चेक कर रहा है और कतरीज जो है वो दे आर होपिंग कि ये गोल ना हो। वीएआर वीडियो असिस्टेड रेफरी, जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर होता है। गोल नहीं दिया गया, नो गोल। इक्वाडोर हैज स्कोर्ड। खामोशी से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इक्वाडोर ने गोल कर दिया है। इक्वाडोर का दूसरा गोल। कतर स्टैंड नो चांस, कतर का कोई चांस नहीं है यहाँ पर भाई। तो ये फैन फेस्टिवल के अंदर यहाँ पर डगआउट के नाम से भी एक प्लेस है जहाँ पर मुख्तलिफ फुटबॉलर्स की जर्सीज वगैरह अवेलेबल हैं। और ये आई सी समथिंग है, दिस इज एन इंस्टाग्राम का लेंस वेयर यू कैन टेक अ फोटो एंड इट माइट डू समथिंग। लेट्स सी, आई हैव नो आइडिया किसने क्या किए। There's a museum inside. Nice. मेसी, नॉयर, यूर्गन क्लिंसमैन, मैराडोना, एडिडास की तमाम जर्सीज एंड फुटबॉल्स। This jersey is to be given away. Given away to who? Register in our application and have the chance to win it. And it's signed by all the German squad? Yes. Okay, interesting. Here we have 4 telephones in the room. Each one is connected to a different screen. When you pick it up, it will turn on the video and tell you the story of the historical founder. Okay. Interesting. So, इनके मुताबिक जब ये टेलीफोन आप उठाएंगे तो ये टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो स्टोरी चल रही है, यू कैन हेयर द स्टोरी थ्रू द टेलीफोन लाइक दिस। सी इफ यू कैन, नो आई डोंट थिंक यू कैन, सॉरी आई डोंट थिंक यू कैन लिसन टू इट फ्रॉम हेयर, बट या Oh, nice. So this is a golden boot. जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा, the most goal scored by the player will get this boot. This is the golden boot. Or you are very, very lucky to witness this. You're looking at the real trophy that will be presented to the top goal scorer. You can't touch it, but that's the golden boot which I hope Messi would get. But let's see. Thank you for this. This is precious. Yeah. What else? What? And who's this young guy? Salah. My son loves him. मेरे बेटे को बहुत पसंद है Salah. So players from the teams we sponsor have already done this advertisement for Adidas. So yeah. And this frame is from the advertisement itself, and the whole room is inspired from. So she lifted the phone, इन्होंने फ़ोन उठाया एंड द स्टोरी अबव इट स्टार्टेड। और ये एडवर्टीजमेंट है जिसके अंदर करीम बेंजेमा, लियोनेल मेसी, ऑल द प्लेयर्स प्लेइंग फुटबॉल, सॉन मिन हुन, ब्रिलियंट। दीज आर द फोन्स। नाउ चेस बोर्ड एज वेल, ब्रिलियंट स्टफ। So this is it, right? There's the pitch inside. Yes, sir. The tournaments taking place from 4 to 6 every day. Yes, and then
like this. Okay. So this is the pitch side. यहाँ पर football. जब match नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर football हो रही होगी. Football यहाँ पर लोग football यानी football खेल रहे हैं. अभी यहाँ पर match हो रहा है. Half time हुआ है. I think अभी जो goal score जो goal है वो 2-0 ही है half time के ऊपर. Yes. Ecuador 2 Qatar 0. मगर ये Adidas का dugout है जो कि we've been allowed to get inside और हमें उसका एक personalized tour भी दिया गया है which is really good यार. Let's go. ये जो pitch है इसमें I'm definitely going to come. But इस तमाम area जो है ना FIFA fan festival का हिस्सा है. आखिरी 5 सेकंड रह गए कतर ऑब्वियसली 2-0 से हार रहे हैं. कतर खास चांस से एक गोल कर मिले तो दे लॉस्ट द गेम. लास्ट कॉर्नर में ऑप्शन है एंड सरप्राइजिंगली बहुत कम लोग हैं इस बॉक्स के अंदर. The yellow wall is and the up. Match is over. And it was the last play of the match. Qatar pehla hi match utna haar gaya tha. It's a perfect shot for Ecuador. And then Kurtz was followed well thorough. And Felix Sanchez Qatar back to the drawing board. It's the first time the hosts have lost the opening match at the World Cup. There's the man that did the damage. Enner Valencia, who scored twice in the first half. Once from the penalty spot. The second goal. A terrific header, and it proved to be more than enough. Despite the best efforts of Qatar, we barely created a chance in the game. A shaky start from Al Shaibi, the goalkeeper. Who was beaten in the first minute, the goal disallowed for offside on the video review. He's in for some penalty. Settled in the second period. It's the South Americans who are all smiles.